नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ वर्क हेजेस की बुक यू इनकॉर्पोरेटेड की एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत साल पहले एक नीलामकर्ता एक अमीर उद्योगपति की संपत्ति की नीलामी कर रहा था। जैसे ही नीलामी का काम समाप्त होने को आया, वो थका हुआ नीलामकर्ता एक पुराना धूमिल वायलिन हाथ में लेकर मजाकिया अंदाज में कहता है, मैं इसकी क्या कीमत लगाऊं? $100 कौन लेने वाला है? क्या मैं जान सकता हूँ? $75, $50, $25, $5। उसने चारों तरफ देखा, फिर बड़ी ही विनम्रता के साथ कहता है, $1 कैसा रहेगा? दर्शकों में हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। पूरा वातावरण हंसी की आवाज़ से गूंज उठा। तभी धीमी व टूटी आवाज़ ने हंसने वालों को रोक दिया। माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आपका कुछ समय ले सकता हूँ? एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी पैर घसीटते हुए नीलामकर्ता के पास पहुँचा और वायलिन को अपने पीले व दुबले हाथों में ले लिया। दर्शकों के पीछे जाकर बूढ़े आदमी ने वायलिन के तारों को खोल के ठीक किया तथा वायलिन की खुटियों को कसकर उसकी ट्यूनिंग भी कर दी। धीरे से दर्शकों की ओर मुड़ा और उन्हें शांत होने के लिए इशारा किया। इसके बाद वायलिन को आहिस्ते से अपनी ठुड्डी के नीचे रख के बजाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में मधुर एवं पावन स्वर से पूरा कक्ष भर गया और दर्शक विस्मयपूर्ण मुद्रा में एकाग्रचित बैठ गए, क्योंकि बूढ़े आदमी ने अपने वादन से उनको भाव विभोर कर दिया। जब बूढ़े आदमी का एकल वादन समाप्त हो गया, तब वह मुश्किल से कमर के बल झुककर नीलामकर्ता को वायलिन सौंप कर धीरे से दरवाजे के बाहर आ गया। उस समय सभी दर्शक ताली बजाकर झूम उठे। नीलामकर्ता मुस्कुराता हुआ पुराने वायलिन को हाथ में लेकर शोरगुल वाली भीड़ में चिल्लाया, अब मैं इस अद्वितीय वाद्ययंत्र की क्या कीमत लगाऊं? टॉप हैट पहने हुए साहब द्वारा $1,000। मैं सामने बैठी महिला से $2,000 सुन रहा हूँ। पीछे बैठे सज्जन $3,000 कह रहे हैं। क्या मैं $4,000 सुन रहा हूँ? $4,000 एक, $4,000 दो, $5,000। क्या मैं $5,000 सुन रहा हूँ? $5,000 एक, $5,000 दो, $5,000 तीन। और यह सुंदर वायलन आशा से कहीं ज़्यादा मूल्य पर $5,000 में बिक गया। ठीक इसी प्रकार हम अपनी ज़िंदगी की जो कीमत समझते हैं, वो हमारी ज़िंदगी की कीमत नहीं है। हमारी ज़िंदगी की कीमत वो है जो हमारे सपने तय करते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।